अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ये रेड कलर का बटन है, इसको जरूर क्लिक कीजिएगा, और ये बेल आइकन का जो बटन है इसको भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मेरे हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दीप्ति एंड मी दीप्ति, और आपको टाइटल पढ़ के और मेरी पहले की वीडियो को देख के पता तो चल ही गया होगा कि आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपके लिए जो मैंने लुक क्रिएट किया है पॉन्ड्स बेबी क्रीम का, वो आप कॉलेज गर्ल्स के लिए रेगुलर वे में एंड ऑफिस गर्ल्स के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल, इसमें हमें कोई कंसीलर यूज नहीं करना, कोई कॉम्पैक्ट नो कंसीलर नो ब्लश नो आई शेडो नथिंग, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें पॉन्ड्स बेबी क्रीम को यूज करना है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने हेयर्स को बांध लेंगे अच्छे से, ताकि हमारे मेकअप में कोई डिस्टर्बेंस ना करे। तरीके से हम अपने हाथ में पहले ये लेंगे एंड देन अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके इसको चेकआउट करिएगा जाके। मैंने पॉन्ड्स बेबी क्रीम के ऊपर कुछ आपको हैक्स और रिव्यूज बताए हैं कि किस तरीके से ऑयली या नॉर्मल स्किन के टाइप्स के जो लोग हैं वो किस तरीके से यूज़ करेंगे। मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल है, तो मैं इसे नॉर्मली ही यूज़ कर रही हूँ। और मेरी लास्ट वीडियो में किसी की ऑयली स्किन होती है उसे किस टाइप से यूज़ करना है वो मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में। तो मैं उसका लिंक जो है आपको आइकन बटन के ऊपर दे दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ से चेकआउट करिएगा। और इसको अच्छे से अपने फिंगर्स की हेल्प से जो है वो मैं ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही नेचुरल लुक देता है, इसकी फिनिशिंग जो है फ्रेंड्स वो बहुत ही अच्छी आती है। और रेगुलर यूज के लिए एज अ कॉलेज गर्ल सभी इसको बहुत ही अच्छे से रेगुलर वे में यूज कर सकते हैं। और ये मेरी पॉन्ड्स बेबी क्रीम, और ये बहुत जल्दी हमारे फेस पे ना एकदम से फिक्स हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती है फटाफट से। तो मेरी जो पॉन्ड्स बेबी क्रीम है वो बहुत अच्छे से मेरे फेस पे जो है ब्लेंड हो चुकी है। एंड देन इस मेकअप में ओनली मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम सिर्फ पॉन्ड्स बेबी क्रीम ही यूज करेंगे, और कुछ मैंने हैक्स बताए थे मेरी लास्ट वीडियो में, वो भी मैं इसी मेकअप में आपको
भी करके दिखाऊंगी। और जिसने मेरी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी प्लीज पहले उसे चेकआउट करें जाके। एंड देन मोडा का आईलाइनर, वाटरप्रूफ आईलाइनर पेंसिल यूज कर रही हूँ, क्योंकि हमें काजल से पहले थोड़ा सा यूज कर रहे थे, हमारी आईज जो है वो थोड़ी सी ब्रॉड बड़ी लगने लगती है। तो ये मोडा का है जो कि मैंने पर्पल, आई थिंक सो कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने मोडा का जो कि purple.com से मंगवाया था, बहुत ही अच्छा है, इससे हमारा जो काजल है वो फैलता नहीं है। इस वजह से मैंने और मंगाया था क्योंकि मेरा जो काजल है वो फैल जाता था, तो इससे लगाने से मुझे ये भी लगा कि मेरा जो काजल है वो बिल्कुल भी फैलता नहीं है। सिल्वर कलर, ये सिल्वर कलर का है और इसके और भी बहुत सारे कलर हैं, अगर किसी को लेना है तो मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही इजीली लग जाता है हमारी आईज में। एंड देन मैं काजल अप्लाई करूंगी। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको पॉन्ड्स बेबी क्रीम के कुछ हैक्स बताए थे, तो मैं इसी का आपको यूज करके ब्लश भी अपने फेस पे ही इसी का यूज करने जा रही हूँ। प्लीज आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो को चेकआउट नहीं किया प्लीज उसे करिए, उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरीके से हम पॉन्ड्स बेबी क्रीम को ब्लश बना के यूज करते हैं। मैंने ब्लश बनाया है और वही मैं अप्लाई करूंगी और इसकी जो फिनिशिंग है वो कितनी अच्छी आएगी। और सबसे लास्ट में हम यूज करेंगे अपनी लिपस्टिक, और जो कि NY की है, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में और इसका बहुत ही नेचुरल है, और इसका जो शेड है वो है 19, और इसके और भी बहुत प्यारे प्यारे शेड्स हैं, आप Thxxx.com पे जाके चेकआउट कीजिएगा। मैट है और बिल्कुल नेचुरल है। और आप लोगों को ये लुक मेरा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसे जरूर शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत सारा शेयर कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है, इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और इसी तरीके से अच्छे अच्छे से कमेंट करते रहिएगा, और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन स्टे हैप्पी।